दोस्तों, प्राचीन समय में बहुत से ऐसे जानवर थे जो कि समय के साथ विलुप्त हो चुके हैं। डायनासोर के बारे में तो आप और हम सभी जानते हैं कि वह विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जानवर और भी थे जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है, लेकिन वो आज बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। तस्मानियन टाइगर ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में पाए जाने वाले थाइलेंसिस को तस्मानिया का बाघ कहते थे। ये बाघ दिखने में करीब करीब डॉग यानी कुत्ते जैसा होता है। 2000 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग से विलुप्त हो गया था, पर दूर दराज के कई इलाकों में यह कभी कभार दिख जाता था। पर 1936 में होबार्ट के चिड़ियाघर में आखिरी तस्मानियाई बाघ की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसे कई बार देखे जाने के दावे किए गए, लेकिन जाँच करने पर यह गलत पाए गए। क्यूगा, ये सामने से जेब्रा लेकिन पीछे से देखने पर एकदम घोड़े जैसा दिखता है। जेब्रा की प्रजाति क्यूगा जो 125 साल पहले ही विलुप्त हो गई थी। किसी समय कारू तथा दक्षिणी फ्री स्टेट में इनकी बहुतायत थी। बड़ी संख्या में यूरोपीय लोगों का दक्षिण अफ्रीका में आकर के बसना इन पर भारी पड़ गया। वे नहीं चाहते थे कि क्यूगा उनके मैदानों खेतों में आकर उनके पालतू पशुओं के हिस्से का घास चरे, इसलिए बहरे में से इनका शिकार शुरू कर दिया गया। एक समय दक्षिण अफ्रीका के मैदानों में हजारों क्यूगा झुंड में विचरण करते थे, लेकिन अंधाधुंध शिकार के कारण 1883 में इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। क्यूगा प्रोजेक्ट से इस प्रजाति के जीन को ध्यान में रखते हुए कुछ खास प्रजातियों के साथ रखकर बड़ी संख्या में क्यूगा पैदा किए जा सकते हैं। 1883 में अंतिम जानवर की मौत हो गई थी। एम्स्टर्डम के चिड़ियाघर में 12 अगस्त 1883 को जब अंतिम क्यूगा की मौत हुई, तब किसी को पता नहीं था कि धरती पर इस प्रजाति का प्राणी फिर दिखाई नहीं देगा। पैसेंजर पिजन, क्या आपने मुसाफिर कबूतरों का नाम सुना है? उत्तरी अमेरिका व कनाडा के पूर्वी हिस्से में आज से 100 साल पहले तक मुसाफिर कबूतर, जिन्हें अंग्रेजी में पैसेंजर पिजन कहते हैं, पाए जाते थे। इनकी संख्या 500 करोड़ थी। ये पक्षी इसी हिस्से में उड़ा करते थे। कहते हैं कि जब ये झुंड में उड़ा करते थे, तब 1 मील चौड़ा और 300 मील लंबा झुंड बन जाता था। एक ऐसा झुंड जो सूर्य की किरणों को ढक देता था और धरती पर एक भी किरण नहीं पड़ने देता था। जब वे उड़ते थे तो ऐसा अंधेरा छा जाता था कि जिसे छटने में 14 घंटे से ज्यादा समय लग जाता था। 14 घंटे तक आसमान में अंधेरा जैसे सूर्य ग्रहण लग गया हो। जरा सोचिए, 500 करोड़ पक्षी एक साथ आकाश में उड़ते हुए कैसे लगते होंगे। आज मुसाफिर कबूतरों की संख्या है 0। कारण, जब यूरोप से लोगों का आगमन तेज हुआ और वे अपने रहने के लिए जगह बनाने लगे, तब इन पक्षियों के जंगल काटे गए। 19वीं शताब्दी में गुलामों के लिए इन कबूतरों का सस्ता मांस मिलने लगा था। यह वो दौर था जब इनके घरौंदों को तेजी से तोड़ा व इन्हें काटा जाने लगा था। 1800 से 1870 तक इनका आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा था, किंतु 1890 आते ही इतनी तेजी से विलुप्त हो गए कि पता ही नहीं चला कि कब समाप्त हो गए। सिनसिनाटी चिड़ियाघर में 1 सितंबर 1914 को अंतिम पक्षी ने दम तोड़ दिया, यानी करीबन 100 वर्षों में 500 करोड़ पक्षियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वूली राइनोसोरस, यह गेंडे की एक विलुप्त प्रजाति है जो प्लाइस्टोसिन युग में यूरोप और एशिया में फैली हुई थी। इन्हें पाषाण काल के मानवों ने देखा था और प्रमाण स्वरूप इसके प्राचीन चित्र गुफाओं में बने हुए मिलते हैं। इसके सिर पर 2 सिंह होते थे और आगे वाला ज्यादा लंबा था। इसके कान छोटे, टांगे मोटी और जिस्म भारी भरकम हुआ करता था। बड़ा शरीर और घने बाल होने से ये अपने शरीर में बर्फीले हालात में भी गर्माहट बनाए रखने में सक्षम था। वैज्ञानिकों को सही तरह से ज्ञात नहीं है कि बालदार गेंडों के खत्म हो जाने का क्या कारण था। एक धारणा यह है कि जैसे जैसे आधुनिक मानव इसका शिकार करने लगे, ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। एक अन्य धारणा यह भी है कि जब पूर्व हिमयुग समाप्त होने लगा तो मौसम गर्म हुआ और यह नए वातावरण की परिस्थितियों में जीवित ना रह पाए। एक तीसरी धारणा यह भी है कि इस जाति में एक ऐसी जानलेवा बीमारी फैल गई जिसने पूरी जाति को तेजी से खत्म कर डाला। सेवर टूथ कैट्स, इन्हें सेवर टूथ लायन भी कहा जाता है। 11,700 साल पहले अस्तित्व में थे। जैसा कि इन्हें देखकर ही लगता है कि ये मांसाहारी रहे होंगे, और इनका यह नाम इनके चाकू जैसे लंबे दांतों के कारण ही पड़ा था। यह जानवर लायन जैसे दिखते थे और इन्हें अच्छा शिकारी भी माना जाता था, जो उस समय सबसे विशालकाय जानवरों का शिकार किया करते थे। इनका जबड़ा बहुत मजबूत हुआ करता था, जो 120 डिग्री के कोण में भी घूम सकता था। इनके विलुप्त होने का कारण जलवायु परिवर्तन और इनके बड़े शिकारों का खत्म हो जाना है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।